लगा तुम्हारा? बहुत ही अच्छा लगा। बताऊं, जब रौनक भैया मैम को बता रहे थे ना, तब मैंने सुन लिया था वॉच। अच्छा, मैम पहन कर भी आया। अच्छा, आज काका को गिफ्ट मिला है वॉच। काका बताओ। और मुझे पेंसिल बॉक्स भी मिला। अच्छा, अपना गिफ्ट बताओ। मुझे दिखाओ अपना गिफ्ट वॉच। मुझे ग्लास मिला है, और वो क्या, पूरे मुंह पे इसके केक लगा हुआ है। ग्लास मिला है और पेंसिल बॉक्स मिला है और ये वॉच मिली है। अच्छा, स्मार्ट वॉच नहीं है ऐसी, ये वाली कोई बात नहीं, कोई भी वॉच हो, गिफ्ट होता है। तो इसका एक बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका है हमारे हॉस्पिटल में, क्लिनिक में। अब हम बाहर जा रहे हैं डिनर करने, वहाँ इसका केक, एक और केक कट होगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ अभी आपको। चलिए चलते हैं, अब डिनर करने चलते हैं बाहर, फिर देखते हैं वहाँ इसका एक और सेलिब्रेशन होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक और केक अभी उसका कट होना है, तो केक ले लेते हैं और चलते हैं। बंद करो। ये है केक क्राफ्ट। इसके केक्स बहुत बहुत अच्छे होते हैं, और अभी जो इससे पहले भी एक केक कट हुआ था वो भी इसी का था, बहुत अच्छा है। देखिए, मैं आपको जूम करके बताती हूँ। केक क्राफ्ट है पिज्जा, बर्गर, चाइनीज, वेफर, स्नैक्स, आइसक्रीम, केक, पेस्ट्री। काफ़ी अच्छा इंटीरियर है, बहुत ही ऐसा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो चलिए देखते हैं, देखिए एंट्रेंस इसकी, और एक केक एसेसरीज है सारा, जो भी डेकोरेशन का रहता है। वो वाला कहाँ गया भैया, कल वाला रेनबो? अरे नहीं है, केक बहुत अच्छा था, ले लो कोई भी। अभी इसके अलावा भी जो बोलेंगे तो 10-15 मिनट लगेंगे, तो ले लो ना। बाकी आप रेड का ट्राई कर, 500 का पड़ेगा। 10-15 मिनट तो यूज कर सकते, अच्छे से रखो, गिर जाएगा तो। नहीं नहीं, अब कुछ नहीं, बहुत हो गया बर्थडे। तो चलिए ये एक रेड वेलवेट केक उसके लिए ले लेते हैं, और अभी एक कटिंग, केक कटिंग और होगी उसकी। और काफ़ी अच्छे केक्स हैं यहाँ के, बहुत फ्रेश है, आप कस्टमाइज भी करा सकते हो। और यहाँ पे डोनट्स हैं और केक्स, पुडिंग्स वगैरह सारा। ये पिज्जा बेस वगैरह भी है, काफी अच्छी शॉप है। ये बर्थडे बॉय, उसके पूरे फेस पे केक लगा हुआ है, अभी एक केक कट करके आया है ना वो। हाँ हाँ, ठीक था टेस्ट, बहुत नहीं, बट टेस्ट वाइज बहुत अच्छा था। मैंने बोल दिया था भाई। चलते हैं अभी हम लोग, और अब जाएंगे डिनर के लिए। तो ये है, कभी आपके यहाँ भी बहुत सारी जगह पे केक क्राफ्ट है, मतलब रायपुर वगैरह और छत्तीसगढ़, काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं इसकी। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इसके केक्स बहुत अच्छे हैं, केक क्राफ्ट बेकरी कैफे। तो चलो चलो, चलिए तो चलते हैं हम अपन लोग डिनर करने के लिए। प्रिया दीदी, ये देखिए।
देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बलून्स भी लगे हैं। बलून्स होगा कुछ, यहाँ कुछ होगा सेलिब्रेशन। ये देखिए हम लोग आ गए हैं होटल लैंडमार्क। यहाँ पे मेरा रिसेप्शन हुआ था मेरी शादी के बाद, और ये इसी में जाके आगे पिंड बलोची है। और इसकी तो सारी ब्रांचेस आपको पता ही है, सभी जगह ब्रांचेस हैं इसकी। तो चलिए देखते हैं, तो चलिए देखते हैं, अभी हमारे गेस्ट भी आने वाले हैं। तो ये है एमी। आज काका बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा। और मेरा मूड ऑफ है। क्यों मूड ऑफ है? क्योंकि मुझे दो चीज मिली है। ये मूड ऑफ करना छोड़ दो। ये अरे यार मुझे वॉच मिली है, ये वाली रौनक भैया ने दी है मेरी। तो हम चलते हैं पिंड बलोची। चलिए, अच्छा उसको वॉच मिली है गिफ्ट में। चलिए चलो अमी। ये अभी अभी लास्ट ईयर यहाँ पे ओपन हुआ है और काफी अच्छा है इंटीरियर इसका। और लास्ट बर्थडे जो था एमी का, बेटी का, मेरी डॉटर का, वो यहीं पे बना था। तो बहुत ज्यादा, आज तो बहुत ठंड हो रही है, और चलिए देखते हैं अभी हमारे गेस्ट भी आने वाले हैं तो कैसा रहता है आज का डिनर। आइए तो यहाँ का इंटीरियर देखिए आप इतना। ये देखिए यहाँ की लाइटिंग्स कितनी प्यारी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं पिंड बलोची, और इसकी लाइटिंग देखिए कितनी ब्यूटीफुल है। और जो इसका आउटर लुक है वो बहुत ही प्यारा है, मतलब आउटर जो सीटिंग है, आउटसाइड जो सीटिंग है वो बहुत ही प्यारी है। और बस ये है कि अभी थोड़ा सा विंटर है, अभी ठंड ज़्यादा है, तो हमने रेस्टोरेंट प्रेफर किया कि रेस्टोरेंट में बैठते हैं। तो देखिए आप, इसका पूरा जो है ग्रीन और वाइट थीम पे है ये। और ये देखिए लैम्प शेड्स, ग्रीनरी, और जो टेंट्स हर टाइप के बने हुए हैं, सीटिंग जो आउट सीटिंग है, ये आउटर सीटिंग है जो, ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल है। बट थोड़ा सा ठंड है, दैट्स वाई हम लोग सोचा हमने कि रेस्टोरेंट प्रेफर किया जाए। यहाँ पे पूल भी है, ये मिनी पूल है, और वो बड़े बच्चों बड़ों के लिए। और ये देखिए यहाँ पे डीजे वगैरह, पार्टी जो भी, ऑल दैट होता है। और एक ये सीटिंग एरिया है, और इसके एल शेप में एक और सिटिंग एरिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी वहाँ पे म्यूज़िक की, तो इसीलिए वॉइस नहीं, इसीलिए मुझे ओवर वॉइस करना पड़ा। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल थीम, वाइट और ग्रीन। वाइट और ग्रीन तो वैसे भी कॉम्बिनेशन बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। अभी आप यहाँ से व्यू देखिए कि कितना ब्यूटीफुल है पिंड बलोची, इतना ब्यूटीफुल है। अभी अभी लास्ट ईयर ही रीवा में ये ओपन हुआ है, और बहुत अच्छे इसके स्नैक्स वगैरह आप, मुझे बहुत पर्सनली पसंद है, स्पेशली कुरकुरे मशरूम, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा उसको। और ये देखिए ये पूरा बहुत ही प्यारा, मतलब म्यूज़िक बहुत अच्छा म्यूज़िक है इसमें चलता रहता है, और पूरा ग्रीनरी है, और मतलब इसमें इतना पता नहीं ब्यूटीफुल दिख रहा है कि नहीं, बट बहुत ब्यूटीफुल है। ये देखिए, और ये देखिए आप कितना अच्छा है। और ये बच्चे पहले रेस्टोरेंट में गए फिर बाहर आते हुए। ये देखिए पिंड बलोची होटल लैंडमार्क। और यहाँ पे ये बच्चों के लिए कुछ गेम सेक्शन भी है, कुछ स्लाइडर्स हैं और सीसॉ हैं, ऑल दैट, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये देखिए सरदार जी। सत श्री अकाल सरदार जी, कैसे हैं आप? म्यूज़िक बहुत तेज़ था इस वजह से वहाँ पे मैं वीडियो नहीं, मतलब मैंने शूट तो किया बट इतना अच्छे से नहीं हो पाया। और अभी हमारे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, बस उनका वेट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितना ब्यूटीफुल है। अभी मतलब डे टाइम में अलग दिखता है और नाइट में अलग दिखता है मेन बेसिकली, और सैटरडे संडे यहाँ पे बहुत रश रहता है। तो ये देखिए बच्चों को, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, इनको ठंड नहीं लगती है बिल्कुल भी। तो अभी पिंड बलोची जो है उसका मतलब, पिंड का मतलब होता है विलेज, मतलब जो पंजाब होता है वहाँ पे गांव को पिंड बोला जाता है। तो ये देखिए अंदर पूरा गांव का थीम है, ये बैंगल्स है पूरा हैंगर में लटकी हुई है, और बहुत ही ब्यूटीफुल है। पता नहीं कैमरा जस्टिस कर रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं आपको, बट बहुत ही ब्यूटीफुल है पूरा पूरा जो थीम है वो गाँव पैटर्न में है। जो ये देखिए ढोलक, और
ये देखिए डॉक्टर साहब बैठ गए हैं। अभी एक और पार्टी चल रही है, किसी का केक कट हो रहा है और म्यूज़िक बहुत लाउड था। और ये देखिए बास्केट्स, आप टोकरी देखिए, इसमें लाइट लगाए हुए, बल्ब्स लगाए हुए हैं छोटे छोटे, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये रेस्टोरेंट व्यू है। इसके बाद ये देखिए यहाँ भी बैंगल्स हैं। उधर अंदर जो सेक्शन है वो फैमिली सेक्शन है, मतलब वहाँ पे आप बर्थडे पार्टीज वगैरह, फैमिली जो बड़ी फैमिलीज है वो वहाँ बैठ सकती है। अच्छा ये बर्तन देखिए, ये यहाँ पे ये वाले बर्तन यूज होते काशी के, जो पिंड में, पिंड यानी गांव, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पंजाब में पिंड गाँव को बोला जाता है। तो ये यहाँ पे पूरा थीम गाँव का दिया हुआ है। और ये देखिए आप कितना ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही प्यारा, जितना आप मतलब तारीफ़ करें उतना कम। ये ढोलक पेड़, जैसे गांव में चौपाल होती है पेड़, उस टाइप से बनाया हुआ है कि और ये जो सेक्शन है ये देखिए, ये यहाँ पे ऊपर, ये देखिए मुझे पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं ढोलक के साथ, ये देखिए। और ये कोई और पार्टी हो रही है, उनकी केक कटिंग चल रही है, मतलब ये सेक्शन जो है, एक टेबल है वहाँ पे केक कटिंग करते हैं यूजुअली सभी लोग, यही केक कटिंग सेक्शन। और ये देखिए मेरे बच्चों को पता नहीं किस क्या स्नैपचैट में कुछ बना रहे हैं, दोनों के आज बड़ी बट रही है। और आज बर्थडे बॉय तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। तो ये देखिए पता नहीं क्या चल रहा है इन दोनों का, कभी लड़ाई कभी प्यार, बस ऐसे ही चलता रहता है भाई बहनों में। और ये देखिए बस, और ये ऊपर ऊपर बर्तन रखे हुए हैं, आप देखिएगा, ये देखिए बार बार मैं आपको वही बास्केट सिखा रही हूँ, बट बहुत रियली बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था ये सब। अभी बस ये है कि हमारे कुछ फ्रेंड्स आते, अभी ये देखिए मैंने जूम किया है तो अंदर का जो सेक्शन है वहाँ पे कांच मिरर्स लगे हुए हैं और काइट्स हैं, पतंग जो होती हैं, जो मोस्टली बहुत ही ब्यूटीफुल थी। और ये देखिए बाहर के सेक्शन में, अभी हम अपने गेस्ट का वेट कर रहे थे तो बच्चों ने सोचा थोड़ा सा अपना सीसॉ स्लाइडर्स जो है गेम सेक्शन में आ गए। और ये हमारा स्टाफ और ये भैया हैं, तो ये भी वेट कर रहे हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं कि मेरी फ्रेंड और डॉक्टर साहब के फ्रेंड आ जाएं। अभी हम इस सेक्शन पे आ गए हैं, वहाँ पे जो पार्टी थी जिसकी थी वो चले गए थे, तो हमने सोचा कि हम अंदर आ जाते हैं। तो अभी हमारे एक और फ्रेंड आने वाले हैं, डॉक्टर विवेक के एक और फ्रेंड आने वाले हैं, देन उसके बाद केक कटिंग करते हैं।